गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। बेसिकली उसको स्टार्ट करने से पहले, कंजर्वेशन मोमेंटम को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका स्टेटमेंट ये देखा जाता है कि मोमेंटम हमारे अगर किसी बॉडी में, ऑब्जेक्ट में अगर वेलोसिटी है तो मोमेंटम होना रहता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हमारा मोमेंटम जो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर हमारा वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम जीरो। मोमेंटम का अगर प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो उसको कंजर्व कैसे है? अगर हमारा बॉडी मूव कर रहा है, तो कंजर्व कैसे है? ठीक है, कंजर्व करने से पहले एक स्टेटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है अगर हम बात करें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम हमारा कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्व होने से पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज बेसिकली, स्टेट एट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, देन कंजर्वेशन मोमेंटम स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट विच हैव टू सी दैट द स्टेटमेंट इज दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट on the body is zero. Okay, you have to see that if the external force act on the body is zero, okay, then the momentum of the body is conserved. कंजर्व इन द सेंस, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगने से पहले जो बॉडी का मोमेंटम था, एक्सटर्नल फोर्स अगर बाद में नहीं लग रहा तो उस बाद में जो बॉडी की जो मोमेंटम है वो दोनों बराबर लगी। जैसे मोमेंटम ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फाइनल। ओके, अभी इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले स्टेटमेंट यह ध्यान देना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पे, अगर वो हमारा फोर्स जीरो है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे नहीं लग रहा। जैसे कहने का सेंस, अगर मान लीजिए हमारा बॉल है, ठीक है, इसकी मास m है, अगर ये वेलोसिटी v से जा रही है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। अभी इनिशियली क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट मास m है, v वेलोसिटी जा रही है, ठीक है। अगर हम इस पे कोई फोर्स ना लगाते हैं, मान लीजिए ये v से जा रही है, ये आगे भी v से ही जाएगी, ठीक है, आगे भी v से ही जाएगी, तो इसकी जो है, हम इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। अगर हम बाद में अगर एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, तो इसकी वेलोसिटी जो मास v पहले अभी है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ v डैश हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये फेवरेबल कंडीशन में जिस डायरेक्शन वेलोसिटी उसी डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है, जिस डायरेक्शन वेलोसिटी होता है उस डायरेक्शन फोर्स लगाने से क्या होती है, मास की वेलोसिटी वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी v थी, आफ्टर अप्लाइंग द एफ ऑफ एक्सटर्नल, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज v डैश। सो इफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, आवर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंज। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम इस चीज को ही निगलेक्ट कर दें, अगर हम बॉडी को कोई फोर्स ही नहीं लगाए, जो इनिशियल बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो फाइनल बॉडी की वेलोसिटी मेंटेन रही, इसे कहते हैं मोमेंटम हमारा कंजर्व होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था, अगर इसकी प्रूफ देखा जाए, ठीक है, अगर हम प्रूफ देखते हैं, कहने का मतलब क्या है, इसकी दो प्रूफ देखेंगे, एक हमारा सेंटर ऑफ मास और एक जर्नल। ठीक है, तो प्रूफ हम देखते हैं, इसके दो प्रूफ है। प्रूफ वन क्या है, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है मास m, ठीक है, मान दो दो ऑब्जेक्ट है m, m1 और m2, ठीक है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है, u1 और u2, मान लीजिए ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, ये m1 जो है u स्पीड से आ रहा है, u1 स्पीड से, ठीक है, इसको u कर लेते हैं, एक हमारा m1 ऑब्जेक्ट u स्पीड से आ रहा है, हमारा m2 वेलोसिटी जो है रेस्ट पे है, ठीक है, ये रेस्ट पे, अब ये जो रेस्ट पे है ये इसको अप्रोच कर रहा है, m1 m2 को अप्रोच कर रहा है वेलोसिटी से, जब अप्रोच करेगा तो क्या होगा हमारा, या तो कुछ आपस में टकरा जाएंगे, M1,
एम टू, ठीक है। देखिए दोनों आपस में टकराएंगे, दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है, यानी कि कुछ वी वेलोसिटी कॉमन होगी। अब कॉमन जब एक बार टकराएंगे कुछ देर साथ, फिर आपस में सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होने के बाद इनकी अलग अलग वेलोसिटी होगी। ठीक है, चलिए बनाता है, ठीक है। फिलहाल इसके लिए क्या है, अगर इन दोनों को देखें तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, ठीक है, ऐसा नहीं है ये वेलोसिटी ज्यादा था, ये जीरो था, ये दोनों आपस में टकरा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा इस पे, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, मान ली सकते हैं एफ ऑफ एक्स स्टार इज जीरो, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्सटर्नल जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम कंजर्व कैसे रहेगा, यहाँ की मोमेंटम क्या होगी, एम वन इंटू यू प्लस एम टू इंटू जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें भी देखते हैं ये कॉमन हो गई ना, एम वन प्लस एम टू इंटू वी ऑफ कॉमन, ठीक है, ये जीरो जाएगा, एम वन यू इज इक्वल टू वी ऑफ कॉमन एम वन प्लस एम टू, ठीक है, ये इक्वेशन वन रखते हैं अपना। ये देखिए आपस में टकरा, देखिए आपस में क्या, ये भी लॉस्ट जाता है, ये जीरो था, ये हमारा क्या, ये बीच का ट्रांजिशन स्टेटेज आपस में टकरा, फाइनल हमारा ये हो गया, ठीक है। अगर हम ये हमारा हो गया कॉमन, इसके लिए अगर हम इसके लिए देखें इस चीज के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लगाते हैं मोमेंटम का जो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है हमारा, एम वन प्लस एम टू वी ऑफ कॉमन, बाहर क्या है एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सेकेंड रूल है। अगर हम दोनों, ये हमारा फर्स्ट है सॉरी, अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को देखें, ठीक है, देखिए वी ऑफ कॉमन, वी ऑफ कॉमन सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचे क्या, दिस इज इक्वल टू डेट, एम वन यू इज इक्वल टू एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू, ठीक है। इससे पता ये चलता है जो हमारा इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम बराबर है, अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया पहला, ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लेट्स सी द सेकंड प्रूफ इज डेट, सेकेंड प्रूफ देखते हैं अपना सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से मान लीजिए हमारा रिजिड बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, ये मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ये मास m3 है, इसकी वेलोसिटी v3 है, ठीक है, ऐसे डॉट करते हैं, ये मास mn है, इनफाइनाइट मास इक्वल टू v है, ठीक है, ये हमारा रिजिड बॉडी है, इसके उसके इंडिविजुअल, ठीक है, स्मॉल मासेस आर अवेलेबल है, तो सेंटर ऑफ मास की बात अगर करें, आर ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में, तो क्या होता है हमारा एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री प्लस डॉट आर टू एम एन आर एन अपॉन एम एन, मतलब होल रिजिड बॉडी का मास क्या है, ठीक है। ये वीडियो है बीएससी और नोटिक्स के लिए, जिसमें मोमेंटम का समझ सकते हैं, अब हम इसको इधर ले जाएं, ठीक है, तो m into r of center of mass is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus dot 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 m n r, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करें बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो मास हमारा तो कांस्टेंट है, एम डी आर ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम वन डी आर वन अपॉन डी टी प्लस एम टू इंटू डी आर टू अपॉन डी टी प्लस डॉट डॉट एम एन डी आर एन अपॉन डी टी, ओके। अब नाउ दिस डेट डिफरेंशिएट ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम इज डेट वेलोसिटी, यानी मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू डॉट डॉट टू एम एन बी एन, ओके। अब नाउ व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज द मास इनटू वेलोसिटी, नाउ दिस इज दैट मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज दैट मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल इन द रीजन अबाउट रिजिड मास पी वन पी टू पी थ्री डॉट 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 पी एन।
So this equation is said that if the external force on the body is zero, then the momentum of the center of mass is that individual mass of the momentum is will equal to zero. Okay, yani mass of center of mass p1 plus p2 individual momentum. Okay, yani center of mass of the constant. Okay, we have to know that. बेसिकली इससे गेट अगर हमारे पूरे रिजिड में इंडिविजुअल मास है उसकी अलग अलग की वेलोसिटी होती है तो पूरे होल का अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इस पे जीरो है तो हमारा होल का जो रिजिड बॉडी की जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगी. ठीक है, इस फॉर्मूले से पता चलता है. तो सो बेसिकली इससे दो पॉइंट निकल के आता है, हमारा जो मोमेंटम है किसी रिजिड बॉडी का वो इंडिविजुअल मोमेंटम जो हमारा जीरो होता है. ठीक है, क्यों जीरो होता है हमारे अगर हम इंडिविजुअल मोमेंटम चेक करें किसी बॉडी के मास के रिजिड बॉडी के मास के इंडिविजुअल मास की वेलोसिटी की अगर हम बात करें. मान लीजिए हमारा रिजिड मास है, इसकी कुछ अपने डीएम मास की अलग अलग वेलोसिटी है. ठीक है, अगर हम इंडिविजुअली मोमेंटम की बात करें तो इंडिविजुअल मोमेंटम हमारा जीरो होगा. जीरो क्यों होगा, क्योंकि हमारी वेलोसिटी क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो. अच्छा क्या हम इसमें डायरेक्शन अपनी छोटे छोटे मास की डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर पाते. ठीक है, इसमें हम मान चलते हैं और मान लीजिए वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव जा रहा है इस डायरेक्शन में, हमारा कुछ वेलोसिटी नेगेटिव जा रहा है तो सो पॉजिटिव नेगेटिव इंडिविजुअल का सारा मोमेंटम हमारा जीरो होता है. अगर हम बात करें किसी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास की, हमारा उसका जो इंडिविजुअल मोमेंटम जो होता है इंडिविजुअल मोमेंटम जो होता है वो जीरो होता है. ठीक है, अगर पूरे सिस्टम की मास की बात करें, पूरे सिस्टम की मोमेंटम की बात करें. ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा जो इंडिविजुअल मास है कुछ वेलोसिटी जा रहा है तो इसका सारा जोड़ेंगे हमारा पूरे मास के एक अपनी वेलोसिटी होगी कैपिटल वी. ओके, अंदर की वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, इसलिए सारा अपने आप कैंसिल हो जाते हैं, जिसको सम मोमेंटम जो इंडिविजुअल मोमेंटम है. ठीक है, मास का रिजिड मास का वो जीरो होता है, बट पूरे होल रिजिड बॉडी के मास की मोमेंटम जीरो नहीं होती, वो कांस्टेंट होती. ठीक है, पता चला क्योंकि इसकी एक ही डायरेक्शन है. ठीक है, बट इसमें अगर इंडिविजुअल बात करें तो सबकी वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव होगी, तो इससे सारा कैंसिलेशन हो जाता है, इसलिए मोटर मोमेंटम जो होता है हमारा पूरे इंडिविजुअल का वो जीरो होता है, बट होल का जो क्या होता है कांस्टेंट होता है, जीरो नहीं होता. ठीक है, तो ये हमारे दो प्रूफ थे. ठीक है, ये हमारे दो प्रूफ थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की. ठीक है, एक हमने मैकेनिक्स से देख ली, ठीक है, एक हमने बॉल की देख लिया, एक हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की देख ली. ठीक है, तो आई होप दैट यू विल गेट एन अंडरस्टैंड टू मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द प्रूफ. सो बेसिकली ये हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. ज्यादा ज्यादा ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है या आपका ड्रीम है, उस ड्रीम को पाने के लिए आपको तपना पड़ेगा. कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो गोल है IIT NIT बेस्ट कॉलेजेस में जाने के लिए इंडिया के टॉप 10, तो उनमें जाने के लिए उतना तपना पड़ेगा, उतना मेहनत करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि हमने चलिए एक दो घंटे पढ़ लिए बहुत है. अगर आप अपने इंडिया के टॉप 10 IIT NIT बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 12 से 13 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, बट एक्चुअली जो है 25 से ज्यादा पढ़ते, 18 घंटे तक पढ़ते, मेरे दोस्त खुद पढ़ते रहते. तो सो कहने का मतलब यही है कि इन द सेंस ये जरूरी नहीं है कि 12-13 घंटा पढ़ेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है 12-13 घंटा पढ़ते तो 12-13 घंटा पूरे मन से पढ़ते, बट बैठना पड़ेगा, तपना पड़ेगा. ठीक है, तो कहने का इन द सेंस ये है कि आप पढ़ रहे हो कुछ भी तो मन से पढ़ो. ठीक है, क्योंकि अपने ड्रीम को पाने के लिए, जो चीज आपका ड्रीम है उसको गोल को अचीव करने के लिए आपको उतना तपना पड़ेगा. जब आप तपोगे नहीं तब तक आप उस चीज का फायदा नहीं उठाओगे. अगर आप तपोगे नहीं तो उस दिन में उस कॉलेज में पहुंच गए तो आपको उसकी उस कॉलेज की वैल्यूएशन नहीं पता चलेगी, आपको लगेगा हाँ फ्री में मिल गया. अगर आप उस चीज के लिए तपे हो, उस चीज के लिए मेहनत किए हो, तो आपकी जो ड्रीम कॉलेज मिली है वो आपको उस वैल्यूएबल दिया गया, हाँ मुझे वो चीज बड़ी मेहनत से मिली. ठीक है, तो एट लास्ट एंड ऑफ द वीडियो मैं ये कहना चाहता हूँ आप मन से पढ़िए, एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट बटन पे क्लिक करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊं. ओके गाइस, लेट क्लियर, बाय.